हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर गाड़ी वाले की कौन है वीडियो में। और मेरा नाम है संजीत और आज हम आपके लिए आए हैं एक प्रीमियम हैचबैक जिसका नाम है बलेनो। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बलेनो की क्यों बात कर रहा हूँ जबकि इसका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि क्या क्या नया जनरेशन आने वाला है, उसमें क्या क्या चेंजेस आपको मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि जो नई गाड़ी आएगी उसमें कहां कहां आपको चेंज देखने को मिल सकता है। और चलो हम पहले बात करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में जो आपको ग्रिल मिलेगी, जो नई वाली गाड़ी आएगी उसमें ग्रिल आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, इसमें आपको यहाँ से देखने को मिलती है, उसमें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी और ब्रॉड एकदम ग्रिल देखने को मिलेगी जैसे इसकी पहले से ही है। और इसमें आपको तो क्रोम की स्ट्रिप देखने को मिलती है, सेंटर में आपको सुजुकी के लोगो मिल जाता है, छोटी सी आपको ग्रिल मिलती है पर ये भी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है। और जो नई वाली बलेनो है उसकी जो ग्रिल है वो इससे भी ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिलेगी और जो हेडलाइट यूनिट है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा उस वाली जो नई वाली बलेनो उसमें। और ये वाली बलेनो के अंदर आपको एक प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, हाई बीम एंड लो बीम, और इसमें यहाँ पे एक इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं, नीचे आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगी रेडिएटर ग्रिल। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलती है 170 mm की। और अब हम चलते हैं साइड प्रोफाइल पे और आपको दिखाते हैं कि साइड्स में आपको और क्या क्या ऑफर किया गया है। जो साइड्स में आपको ऑफर किया गया है वो आपको मिल जाता है डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर बटन और क्रोम डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ए प्लर आपको मैट ब्लैक देखने को मिलेगा एंड बी प्लर आपको मैट ब्लैक देखने को मिलता है, सी प्लर आपको बॉडी कलर देखने को मिलेगा। जो ORBMs है वो आपको बॉडी कलर देखने को मिलते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको देखने को मिलेंगे। और फेंडर पर आपको कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलता है क्योंकि वो आपको ORBMs भी देखने को मिल जाता है। डुअल टोन आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाती है, जिसका टायर सेक्शन की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 195/55 R16 16 इंच के आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। ये तो ही कुछ साइड प्रोफाइल की बात। और अब हम चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल में और आपको दिखाते हैं कि आपको बैक में देखने को क्या क्या मिल सकता है। ये गाड़ी की बैक प्रोफाइल और जो नई वाली बलेनो आने वाली है उसमें क्या चेंजेस करे गए हैं। जो बॉडी लाइन है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है नई वाली बलेनो का और पुरानी वाली बलेनो का, तो मुझे नहीं लगता कि वो 5-star रेटिंग के साथ में आएगी क्योंकि बॉडी लाइन एंड बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहने वाला है। तो प्लेटफॉर्म भी जाहिर सी बात है कि सेम ही होगा। और जो इसकी लाइट्स है वो नई वाली बलेनो में ऐसी ही रखी गई है सेम, और थोड़ा सा उसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दिया गया है ताकि थोड़ा सा चेंजेस फेसलिफ्ट में दिखाई दे सके। बाकी ऑलमोस्ट गाड़ी ऐसी ही रहेगी फुली फुली सी जैसे कि अभी है। और इस वाली में तो आपको यहाँ पे LED का सेटअप मिल जाता है, LED लाइट्स का, और यहाँ पे आपको बल्ब्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको बलेनो लिखा मिल जाएगा, सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे कोई आपको बैक कैमरा आपको नहीं ऑफर किया गया है, जीटा वेरियंट है ये। यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाते हैं, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगा, कोई सार्फिक एंटीना आपको नहीं मिलता, नॉर्मल एंटीना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। और ये तो हुई गाड़ी की ओवरऑल लुक। अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और इंटीरियर में दिखाते हैं कि आपको और क्या क्या ऑफर किया गया है। ये है गाड़ी का डोर और डोर पे आपको थोड़ी सी कुशनिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे ग्रे फिनिश का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। चारों पावर विंडोज के बटन आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक के यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाएंगे, ORBMs के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, और क्रोम हैंडल आपको मिल जाते हैं, बोतल रखने की आपको यहाँ जगह दी गई है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह वो आपको यहाँ दी गई है। और अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है। AC वेंट के साउंडिंग आपको सिल्वर स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको हेडलाइट लेवलर का बटन यहाँ दिया गया है, और थोड़ी स्टोरेज आपको यहाँ दे दी गई है, यहाँ अपना मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। और आगे का जो बोनेट है उसका बटन आपको यहाँ दिया गया है, फ्यूल का ऑप्शन ओपन करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर में दिखाते हैं आपको और क्या क्या ऑफर किया गया है। तो दोस्तों ये है इंटीरियर बलेनो जीटा वेरिएंट का, ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिल्वर टच देने की कोशिश करी गई है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का प्ले यहाँ पे आपको टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, मैं एक बार चालू करके दिखा देता हूँ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी। तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका रहने वाला है, ब्लू लाइटिंग के साथ काफी ज्यादा अच्छा देखने में लगता है आपका। और यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाएगा जैसे आप अपनी गाड़ी चालू करेंगे। रियर व्यू मिरर आपको ऑटो डे नाइट के साथ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के लिए यहाँ पे माइक दिया गया है, स्पीकर दिया गया है, और ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उससे आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा, और को ड्राइवर साइड आपको
एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स मिलता है वो आपको अच्छा खासा डीप ग्लव बॉक्स मिलेगा, पर इसके अंदर आपको फुल ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलता। 5 फीट मैनुअल गैलीवर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर की जगह दी गई है। थोड़ी सी स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ USB और AUX का आपको बटन यहाँ देखने को मिल जाते हैं और 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप जैसे देख सकते हैं काफी अच्छा देखने लगता है, पर जो नई वाली बलेनो आएगी उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। और स्टीयरिंग आपको 3-स्पोक स्टीयरिंग देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रोम दिया गया है जिससे स्टीयरिंग की जो लुक है वो काफी अच्छी लगती है। वॉइस कमांड के बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका हैंडब्रेक दिया गया है और यहाँ पे आपका एक आर्मरेस्ट मिल जाता है। और जो सीट्स है उसकी जो सीट्स है वो आपकी फैब्रिक रहने वाली है और जिसकी कुशनिंग और कंफर्टेबल काफी ज्यादा अच्छी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको 2 ट्यूटर और 4 स्पीकर इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और इसका जो म्यूजिक क्वालिटी साउंड है वो मैं आपको कोशिश करूंगा या तो शॉर्ट्स के जरिए आपको दिखा दूंगा या फिर वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा। तो अब जो बात करते हैं आपको डीलरशिप वाले कितना लूटते हैं वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे ये फर्रा मेरे सामने है, तो आपकी मोहर वगैरह लगी हुई है डीलरशिप की। तो डीलरशिप को जो गाड़ी पड़ी है वो ये जीटा वेरिएंट पड़ा है आपका 7,06,049 रुपये का। और आप रियल में जो एक्स शोरूम प्राइस चेक करेंगे वो इससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी। आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और डीलरशिप के बाद जो ऑन रोड पड़ता है वो आपको कितना ज़्यादा कहीं जाके पड़ती है गाड़ी, तो आप वो देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है एक गाड़ी के लिए। और अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पर और दिखाते हैं आपको रियर में क्या क्या ऑफर किया गया है। दोस्तों अब हम आ गए हैं गाड़ी के रियर कंफर्ट पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं जो रियर कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको स्पेस मिलती है। और जो बलेनो की USP रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है स्पेस के मामले में। जो बलेनो में स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नी रूम तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और जो हेडरूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है। जो हैंडल आपको है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं और चारों सीट पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। पर जो आर्मरेस्ट है वो आपको ऑफर नहीं किया गया है इस वेरिएंट में, बल्कि किसी भी वेरिएंट में शायद ऑफर नहीं किया गया है आर्मरेस्ट इतनी प्रीमियम हैचबैक होने के बावजूद भी। और रियर में कोई भी AC वेंट्स वगैरह आपको नहीं मिलता इस गाड़ी के अंदर, बस एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह वगैरह दी गई है जिससे आप अपना मोबाइल वगैरह यहाँ आराम से रख सकते हैं। और जो बीच का सेंटर बम्प है वो भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, करीबन एवरेज साइज का आपको सेंटर बम्प देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हुई रियर कंफर्ट की बात। और तो अच्छे खासी कंफर्टेबल सीट्स आपको ऑफर की गई हैं। लॉन्ग राइड्स पे भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। और डोर्स की बात करेंगे रियर डोर्स की, तो आपको कुशनिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पावर विंडोज के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिश देने की कोशिश की है। और यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। इस जगह आपको स्पीकर रिप्लेसमेंट दी गई है और यहाँ पे बोतल रखने की जगह मिल जाती है। अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी का बूट स्पेस आपको कितना ऑफर किया जाता है और कितने लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों बूट ओपनिंग से पहले मैं आपको गाड़ी की दिखाता हूँ। बहुत खर्चा करके गाड़ी की चेंज कर दी है मारुति वालों ने। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है इस गाड़ी की की पे। और यहाँ पे आपको 2 बटन देखने को मिल जाते हैं, लॉक एंड अनलॉक। तो अब हम आपको दिखाते हैं बूट ओपन करके। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट से बटन देखने को मिलता है और 339 लीटर का आपको बूट मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। एक पार्सल ट्रे आपको ऑफर की गई है इस गाड़ी के अंदर। और स्पेयर टायर आपको किस साइज का रहने वाला है वो आपको हम बताते हैं। जो स्पेयर टायर है वो आपको 15 इंचेस का रहने वाला है, 185/65R15। और इस स्पेयर टायर को लगाने के बाद आप 80 की स्पीड तक ही चल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 80 की स्पीड में ही चलें, उससे ज़्यादा चलने की कोशिश भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आपको एक बूट लैंप ऑफर किया गया है साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप एक हुक दिया गया है जिसपे आप 3 किलो तक वेट टांग सकते हैं। और ये तो ही गाड़ी की बूट की बात। और हमने गाड़ी की जो डीलरशिप प्राइस है वो भी हमने आपको बता दी है। और जो गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और नई प्लान हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, तो उसके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब के बिना ना जाएं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड ड्राइव सेफ।